यह है एंशंट बुद्धिस्ट साइट अंबारन। 90s में यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अवशेष पाए गए थे, जैसे कि टेराकोटा ह्यूमन लिम्स, वोटिव स्टूपा, स्पोक स्टूपा। फिर 2000 में यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई थी और यहाँ का काम शुरू हो गया था। ईयर 2011 में बुद्धिस्ट मोंक दलाई लामा जी भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। पोता घाट पे और ये सामने आपको व्यू दिख रहा है, ऊपर किला है अखनूर वाला और ये सारा घाट का साइड का व्यू है। और अभी हम हैं बोट के ऊपर, तो बोट वाले से हमने कहा कि हमें उस तरफ जाना, तो उसने कहा कि एक बंदे का 20 रुपया लगेगा अनजान, तो हमने कहा ओके। अभी मैं, उमर और ईशान उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे और बाकी आगे चलते हैं। चक्कर हमारा हो गया, अभी हम वापस जा रहे हैं। टाइम लैप्स भी आपने देख ही लिया होगा वैसे। तो ये सामने, ये जो सामने इसी किले में भी अभी हम जाएंगे। और इस जियापोता घाट की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ये जो जियापोता घाट है, एक पेड़ के नाम से इसका नाम पड़ा है। जियापोता एक पेड़ था, उसके नाम से इस घाट का नाम पड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह से, गुलाब सिंह जी थे जो पहले महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उनका जो राज तिलक हुआ था वो भी इसी घाट पर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने उनका राज तिलक किया था इसी जगह पर। और अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ पर शूटिंग भी हुई है। महाराजा गुलाब सिंह जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म बनी है, वो उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। तो और काफ़ी अच्छा है व्यू, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। किले के अंदर भी आपको लेकर जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर पांडव गुफा भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव जब निकले थे और यहाँ पर वो कुछ देर के लिए रहे हैं, यहाँ पर इस गुफा में वो रह कर गए हैं। और एक चीज़ और जो मैंने आपको दिखाई वीडियो में, कि यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, जो आपने देखी होगी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है यहाँ इसी घाट पर। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही घाट पर आपको देखने को मिल रही है ना। तो बाकी आपको व्यू तो दिखाते हैं, देखिए। अभी आपने देखा ये पत्थर, इस पर राम लिखा हुआ है। ये बात, ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो जियापोता घाट है यहीं पर ये मंदिर भी है जहाँ पर ये पत्थर है। यहाँ माना जाता है कि जब रामायण के टाइम पे जब राम भगवान जी ने राम सेतु बनाया लंका दहन के लिए, तो तब जो उन्होंने सेतु बनाया था जिन पत्थरों से, वो पत्थर एक यहाँ पर आ गया था। ये पत्थर वही है। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये मैंने इसको पानी में पुश किया, देन ये फिर से बाहर आ जाएगा पानी से। ये देखिए ये बाहर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने एक पत्थर खुद उठाया था, और सच में ये काफ़ी भारी है ये पत्थर, और पानी में डूबता नहीं है। हालांकि अभी इन्होंने ये बंद कर दिया, जंगला लगा दिया, बट लास्ट टाइम मैंने ये उठाया था और भारी है काफ़ी मंदिर। और जब भी आप यहाँ आए जियापोता घाट पर, तो इस मंदिर में भी ज़रूर आइएगा और इस पत्थर को जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए आपको आगे।
आप मत आइएगा, हमने आपको व्यू दिखाना था इसलिए हम इस तरफ आए हैं, बट खतरनाक है यहाँ से आना, आपने देखा ही होगा मैं कैसे आऊँ, तो ये निशान भी ऐसे ही है, उम्र भी ऐसे ही है, तो ऐसे मत आइएगा। बाकी यहाँ का व्यू आप दिखा देते हो, ये पीछे की साइड है, इस अखनूर फोर्ट की ये पीछे की साइड है, आप देखिए तो आप देख ही रहे। किले को मुगल फोर्ट के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है और इसका निर्माण शुरू किया था राजा तेग सिंह जी ने, और इसके बाद इसको पूरा कंप्लीट किया था राजा राज आलम जी ने, उन्होंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। फिर इसकी काफ़ी देर के बाद जो मतलब इसकी थोड़ी कंडीशन ख़राब सी हो गई थी, देन महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको रिपेयर करवाया था अपने टाइम में, तो अभी तक ये किला बचा हुआ है। बाकी आपको आगे भी दिखाते आइए। पांडव गुफा की ओर यही वो रास्ता जा रहा है, तो आइए। अभी हमने आपको दिखाई पांडव गुफा, जो कि पांडवों द्वारा बनाई गई थी, तभी इसका नाम पांडव गुफा पड़ा है। ये उस टाइम की गुफा है जब पांडव जो है वो अज्ञात वास जो है उस पीरियड से वो चल रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने ये गुफा बनाई थी और इस गुफा में वो मेडिटेशन करते थे, रहते थे, और साथ में उन्होंने इस गुफा में शिवलिंग की स्थापना की थी, और यहाँ पर वो मेडिटेशन करते थे, उनकी पूजा करते थे। और ये जो गुफा है ये सीधे अमरनाथ जो केव है, अमरनाथ की गुफा है, वहाँ पर ये पूरी की पूरी गुफा का रास्ता जो है वो वहाँ पर जाता है। आगे आपको गुफा दिखाई दी है, थैंक यू। अच्छा ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ,
आपने टाइम लैप्स देखा होगा अभी हमारा, है ना? तो जितनी देर टाइम लैप्स चल रहा था उतनी देर में इसने नहीं ऋषान ने ये बिल्डिंग तैयार किया है। देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऊपर एक छोटा सा है, 8 स्टोरी ये बिल्डिंग है भाई। और पानी में तैयार किया, देखा कितना आधा घंटा लगा होगा उसको, आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग तैयार किया, उसके बीच में मस्ती भी हुई है। तो ऋषान गिराना नहीं। तो आज के सफर में बस इतना ही, बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सजेशन हो या कोई सुझाव हो, या आप ये चाहते हो कि कोई ऐसी जगह है जिसे एक्सप्लोर ना किया गया है, या आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जिसे एक्सप्लोर करना चाहिए, उस पर वीडियो बननी चाहिए, तो हमारी टीम वहाँ जाएगी और ज़रूर वीडियो बनाएगी। बाकी आपका साथ हमारे साथ रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए जगह के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा। बाय।